नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित कर किया संबोधित। उन्होंने कहा कि आज भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं। वे ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। आज बीजेपी के डबल इंजन की सरकार में सबको समान अधिकार मिल रहा है तथा हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँच रहा है। वह सरकार सबका साथ और सबका विकास के आधार पर कार्य कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि बेरोजगारी खत्म करने का संकल्प साकार हो रहा है। बेरोजगारी को पर्याप्त रोजगार देने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है और नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। चंद्रयान 3 या G20 देश की बड़ी कामयाबी की मिसाल है। देखिए चंद्रकांत पांडे की रिपोर्ट। केंद्र में आज के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्ष के दौरान जो भी कार्य हुए हैं, इसके पीछे भी प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का संकल्प है। हर गरीब के हर नौजवान को काम, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी का यह संकल्प हमें उन सभी कार्यों को करने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है जिसकी पहले कोई कल्पना ही नहीं करता था। आप अनुमान करिए, कोई सोचता था कि किसान भी सरकार के एजेंडे के हिस्से बनेंगे, महिलाएं सरकार के विकास के एजेंडे के हिस्से बनेंगे, जाति तो बनती थी, मत और मजहब भी बनते थे, लेकिन गांवों को विकास का आधार बनाया जाएगा, गरीब को विकास का आधार बनाया जाएगा, किसान और महिलाओं को, युवाओं को आधार बनाकर के योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। पिछले 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो चमत्कार सर्वांगीण विकास का देखा है, यह चमत्कार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ही प्रेरणा है जिसके आधार पर आज हर नौजवान को रोजगार और नौकरी की गारंटी मिल रही है। जहां पर महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो रहा है, किसान को प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, MSP के आधार पर लागत का 1.5 गुना दाम देने की कार्रवाई हो रही है, जहां गरीब के घर में चूल्हा भी जल रहा है और संकट के समय फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी सरकार उसे उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है, एक गरीब को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी आयुष्मान भारत के माध्यम से मिल रहा है। तो जिस गरीब के पास मकान नहीं, सिर ढकने के लिए एक आवास की व्यवस्था हो या एक शौचालय की सुविधा, यह भी इसी प्रेरणा का आधार है। ये जो MSME है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, जो रोजगार सृजन का एक माध्यम बनता है, लेकिन बिना किसी आप हो हल्ला के। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।